चंडीगढ़ सेक्टर 22 शास्त्री मार्केट की पार्किंग की समस्याओं को लेकर आए दिन कई मामले सामने आते हैं। इसी पर नगर निगम चंडीगढ़ की ओर से पार्किंग की बगल में फुटपाथ को बढ़ाने की वजह से मार्केट यूनियन के सदस्यों ने निगम की इस कार्यवाही का विरोध किया, जिसमें चंडीगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा समेत कई अन्य मार्केट यूनियन के सदस्य शामिल रहे। चलिए देखते हैं मौजूदा सदस्यों ने इस मामले पर क्या कहा। मेरा नाम विक्की नागपाल है और मैं मार्केट का ही एक मैंबर हाँ मार्केट का ही एक मैंबर हाँ। और थोड़ी देर असं कल देखा सगा कि जोड़ा इतने मतलब एक डंपिंग लाया सगा वो ये पुट रहे जी। क्यों पुटा जा रहा है कि कुछ वेंडर इतने बिठाना सगा, ठीक है जी कोई गल नहीं बिठाओ सानू कोई एतराज नहीं है। फिर असी एक चीज़ नोट की है कि इतने पहले कर्व सगा इनू कट के वह सीधा करना चाहते हैं। अगर जे एक कर्व न कट के सीधा करे एक गड्डी इधरों आएगी एक गड्डी इधरों आएगी एक गड्डी इधरों आएगी टर्निंग से कोई भी गड्डी नहीं मुड़ेगी। अगर वो कर्व की जरूरत सी डे वन तो ही पहले वो मतलब कर्व रखा गया, अगर जो वो जरूरत ना होंगी तो स्केयर ही कर देंगे इन्हों। और पूछे छाबड़ा साहब नाल भी गल हुई सी उन्होंने वड्डे अफसर नाल गल की है उन्होंने कोई भी अप्रूवल नक्शा नहीं हैगा। सानू जिहड़ा नक्शा दिखाया जा रहा सीगा वो जिहड़े वेंडर इन्होंने बिठाया सीगा वो दिखाया जा रहा सीगा कि यह साढ़े को नक्शा हैगा वा वो सिर्फ फड़ी वाले जिन्होंने बिठाया उन्होंने भी उन्होंने रीअमेंडेंट किया वै भी अगर कर नू खत्म करते हैं किन्नी स्पेस बचती है और किन्ने बंदे होर बिठाए जा सकते हैं। ये काम कब से चल रहा है सर? आज सुबह हो गया जी, पता नहीं चला सुबह का तोड़ दी खर्चा काट के। आप देखो सड़क टूटी, आप सड़क कैमरा डालो सड़क टूटी हुई सारी कैमरा डालो। आपके क्या मानना? हम ये कहना चाहते हैं कि जो पहले कर्व था वो एक रीजन से था कि ताकि गाड़ी कोई आए उसको बढ़ा के टर्न किया जा सके और मुड़ सके। हम नहीं चाहते कि वो कर्व खत्म किया जाए। आप देख सकते हो अगर कर्व खत्म होता है तो सड़क नैरो हो जाती है। पार्किंग की भी समस्या नहीं, बहुत ज्यादा समस्या है पार्किंग की। पार्किंग की तो पहले ही इतनी समस्या है कि गाड़ी दो आ जाए तो यहाँ जाम हो जाता है। पीछे हमारा ब्लॉक बंद है, बिल्कुल द्वार बंद है। जब एक बस को भी दो गेट होते हैं। हमारी मार्ग को एक गेट दिए इन्होंने ना आने के लिए और जाने के लिए, एक ही गेट होता क्या? बस को भी दो गेट होते हैं, एक इमरजेंसी गेट भी होता है। ये जो आज सड़क उखाड़ी गई इसमें सीधे सीधे नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ घोटाला है। हम पहले भी कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद अब तो खुद मानने लग गए हैं। मणि माजा के पार्षद विनोद अग्रवाल ने पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दी कि अगर बाकी काउंसिलर अपनी मर्जी से फड़ियाँ लगवा सकते हैं तो मेरे को क्यों रोका जा रहा है। ये उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो कि अखबार में छपी हुई है, मीडिया में छपी हुई है। अब कल इनके डिप्टी मेयर एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। तो ये जो सारी बातें जो नज़र आ रही हैं आज की डेट में ये बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है हर चीज़। जब यहाँ पे थोड़े देर पहले 2-2.5 साल पहले आप देखिए अभी भी बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे एक कंपोस्ट प्लांट लगाया गया था कि इस मार्केट में कूड़ा ज़्यादा जनरेट होता है तो यहाँ पे कंपोस्ट प्लांट लगा के यहीं पे उसका सोल्यूशन कर लिया जाए। अब उसको उखाड़ दिया गया। किस हद से वो पैसा लगा था जब पब्लिक हेल्थ अपना मेडिकल ऑफिसर हेल्थ ने वो पैसा यहाँ पे लगाया था तो वो उखाड़ दिया गया। यहाँ पे उसको उखाड़ने के बाद यहाँ पे पेपर लगाने का काम शुरू किया। हमें कोई एतराज नहीं इस बात से। अगर कोई फड़ियों के लिए जगह ईयर मार्क पहले TVC ने कर दी, टाउन वेंडिंग कमेटी ने, तो यहाँ 14 आदमी नहीं बैठ रहे थे, उनको बिठाएं। लेकिन आज ये सड़क उखाड़ने का काम क्यों शुरू कर दिया? ये सारी चीज़ों को लेके हम लोग आने वाले दिनों में हम ये कहेंगे, हम पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि सर्वे में घोटाला हुआ है। 23,000 लोगों का सर्वे कर दिया गया। एक कंपनी हरियाणा से हायर की गई, उस कंपनी ने सारा गलत सर्वे किया, पैसे ले लेके सर्वे हुए। उसके बाद आज कितने वेंडर जो रह गए हैं आप देखिए, कॉर्पोरेशन में अगर आप ऑन रिकॉर्ड जाएंगे तो मेरे हिसाब से 5,000 से ज़्यादा वेंडर्स जो नहीं हैं और उनको शहर में जगह जब अलॉट कर दी गई है तो ये क्या चीज़ चाहते हैं? तो आज ज़रूरत है इस बात की इंक्वायरी की, बिल्कुल उसकी हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि जितने घोटाले कॉर्पोरेशन में पिछले 4 साल में हुए हैं सबकी हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके और इन लोगों का असली चेहरा लोगों के सामने आए। जिस तरह से कल भी इन्होंने पानी के रेट वापस लिए हैं,
और जिस तरह कमिश्नर से इनकी बहस हुई है और किस तरह से ऑफिसर इनको बोल रहे हैं कि जो बीजेपी का अध्यक्ष है वो गवर्नर से ऊपर नहीं है, अगर पॉलिटिकल आदमियों को यही कुछ सुनना था, इतना नीचे ही गिरना था, तो मेरे ख्याल में इनको खुद से सत्ता छोड़ देनी चाहिए। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।